तरह दो ही लोग हैं ना बैंगन काटी एक फूल नहावे से अच्छा अमचूर पाउडर हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो मैं और वंदना आज अपने लिए बनाने जा फ्रांसु दादा आ गए, पानी मत खेलो। दादा आ गए, से यहाँ पे मैंने बैंगन वगैरह सब ले लिया है। और जैसे कि मैंने बताया कि बैंगन की पकौड़ी हम बना रहे हैं, भजिया। तो इसमें छोटे गोल गोल बैंगन कटिंग कर लिया है और बेसन ले लिया है। और बेसन में मैंने हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा जीरा और नमक और थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी आप डाल सकते हो, हमने नहीं डाला है खट्टे के लिए, थोड़ा स्वाद अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर वो बेसन का घोल बना लेंगे अच्छी तरीके से, जितना मतलब थोड़ा सा थिक रहेगा। तो आलू की भजिया में किसी में भी आप उसको डुबो के और डीप फ्राई कर लोगे। देखो यहाँ पे इतना सारा बैंगन मेरा कटिंग हो गया है और मैंने बैंगन को काट के रख लिया है। और चटनी के साथ आप खा सकते हो, तो धनिया की चटनी और पुदीने की चटनी आप जिसके साथ खाना चाहते हो वो आप खा सकते हो। तो यहाँ पे मैं हम लोगों के लिए ये बना रहे हैं और बच्चों लोगों के लिए हम हलवा बनाने वाले हैं। और आज हम हलवा आटे का बनाएंगे, क्योंकि ये लोग ना आटे का हलवा फटाफट खा लेते हैं और सूजी वाला हलवा कम खाते हैं। तो देसी घी में देखो ये हलवे के लिए मैं घी ले रही हूँ, थोड़ा सा 2-3 चम्मच जितना, क्योंकि सात्विक और प्रांशु हम दोनों के बच्चे खाएँगे और वंदना भी साथ में काम कर रही है, धनिया वगैरह कटिंग कर रही है। तो ये देखो वंदना बोली कि आप आटे का हलवा मत बनाओ, सूजी इतनी सारी है वो ख़त्म कर लो, फिर डिब्बे क्या है खाली हो जाएंगे, फिर धुल के हम लोग उसमें दूसरा न्यू सूजी वगैरह जो आए हैं वो भर लो। तो मेरा प्लान ये बोली चेंज कर लो कि हलवा सूजी का ही बना लो। और थोड़ा बनाना पड़ता है ना तो गीला बनाते हैं, हमारे बच्चे तो इसी तरीके से खाते हैं, आपके पता नहीं कैसे खाते हैं आप लोग। तो ये देखो सूजी इतनी सारी मैं भून ले रही हूँ यहाँ पर। और जो बैंगन के लिए हमने बैटर तैयार किया हुआ है उसमें थोड़ी सी हरी धनिया काट के डाल दे रहे हैं ताकि थोड़ा और भी स्वाद आ जाए। यहाँ पे वंदना हरी धनिया कटिंग करके डाल रही है, क्योंकि हरी धनिया आती है गर्मी में फटाफट ही सूख जाती है, तो जल्दी जल्दी यूज़ कर लेते हैं हम लोग। तो ये देखो, और बाकी लोग उस घर पर हैं, उन लोगों को हमने कॉल किया था तो वो लोग वहाँ पर मैगी खा रहे हैं। यहाँ पे ये इतना साबूदाना की खिचड़ी सुबह बनी थी, धीरज भाई लोग जा रहे थे तो सबके लिए एडजस्ट नहीं हुआ साबूदाने की खिचड़ी, तो थोड़ा सा मैं हम लोग बोले इतना सारा बचा है इसमें हम दोनों ले लेंगे और पकौड़ी भी खा लेंगे साथ में। तो यहाँ पे जो प्रांशु है मुझे बहुत परेशान करता है, ये अपने मम्मा से ज़्यादा मेरे पास रहता है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा खिला लेती हूँ। और मम्मा मुझे पूरा दिन करता है और अपने मम्मी को चाची बोलेगा और मुझे मम्मा बोलता है, क्योंकि सात्विक इसको चाची बोलता है ना वंदना को। तो ये मुझे, मैं साथ में इसको साबूदाना की खिचड़ी भी खिला रही हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा खाता है, इसको पसंद है नमक वाला आइटम, बट सुबह सुबह हलवा वगैरह ये लोग खा लेते हैं। तो किचन पर जाके ये बैठ जाता है मेरे साथ, आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखो कि मैंने ये लिया, ऑयल हमारा थोड़ा सा हीट हो गया था और हमने इसको डुबोया और ये देखो हमने ऑयल में डाल दिया। थोड़ा आँच को हम स्लो कर देते हैं, देखो आँच मेरा एकदम से स्लो है ताकि
अच्छी तरीके से जो बैंगन है वो अच्छी तरीके से पक जाए। तो घर में हम लोग ऐसे ही इंजॉय करके कुछ ना कुछ बना के खाते रहते हैं। आप लोग भी कमेंट में बताना किस तरीके से, कोई अकेले दो लोग हैं तो मैगी ही बना के खाते हो कि कुछ अलग भी ट्राई करते थोड़ा मेहनत वाला, क्योंकि अकेले रहो ना तो ज़्यादातर क्या होता है कि मैगी बना के खा लेते हैं। यहाँ पे मेरा ये सब हो गया, अब हम लोग नहाएंगे और फिर खाना बनाएंगे। चलो टीवी चालू करो, चलो दोनों। तो फाइनली आपको ये देखो यहाँ पे खाना हमारा बनना स्टार्ट हो गया है। इतना रोवा थे इनका है यार, सो गई ना प्रांशु, सो गए क्या प्रांशु? ए प्रांशु सोना है, सोना है, चलो नहीं बेटा दोपहर खराब कर जा, मम्मा टीवी चालू कर रहे। तो आज इसकी सब्जी बनने वाली है ना, देखो बैंगन बॉइल्ड हो गया है, आलू बॉइल्ड हो गया है। तो वंदना ने इंस्टाग्राम के रील पे देखा था कुछ सब्जी बनाने का, वही आज बनाने वाली है, ट्राई करेंगे देखो कैसा बनता है। बैंगन आलू बॉइल्ड करके उसके बाद में चलो 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 चलो, बालकनी में नहीं पानी है, चलो चलो अंदर चलो बेटा, चलो 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 भैया देखो क्या कर रहा है, ये क्या है, ये क्या है, चेहरा देखो तो भूत जैसा। क्यों चेहरा भूत जैसा बनाए हो? देखो स्केलेटन बन रहा, स्केलेटन बन रहे हो, तो जो सब्जी वंदना ने रील में देख के बनाना के लिए ट्राई किया है, तो यहाँ पे इतना थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल ली है और टमाटर प्यूरी है और जीरा और हल्दी और लाल मिर्च ये सब इसमें डाल देंगे, ये देखो, और गरम मसाला, धनिया पाउडर सब कुछ आप ऐड कर लो जिस तरीके से हम थोड़ा पनीर में ऐड करते हैं, और थोड़ा सा हींग भी डाल लेना है, हींग का स्वाद आना चाहिए क्योंकि हींग का स्वाद बैंगन की सब्जी हो तो ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे प्याज नहीं यूज़ करना है हमें, सिर्फ टमाटर प्यूरी से बनाना है सब्जी। तो टमाटर को वंदना ने पीस लिया था और ऑयल एकदम अच्छी तरीके से हीट हो गया, तो सब कुछ डाल के मसाले वगैरह, गरम मसाले, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर और हमारे घर का जो स्पेशल बना हुआ मसाला रहता है वो सब डाल के और नमक डाल के अच्छी तरीके से इसको भून देंगे। तब तक भूनेंगे जब इसमें थोड़ा सा ऑयल ना छोड़ने लगे। तो इस तरीके से ये जो बैंगन और आलू बॉइल्ड हुआ है इसको हम डायरेक्ट कढ़ाई में डाल देंगे। और इतना सारा बैंगन और ये सब लिया है हमने, थोड़ा ही लिया है, और हाफ कुकिंग करना है बैंगन को, फुल कुकिंग नहीं करना है। और पहले ही जब बॉइल्ड करेंगे ना तो हाफ फ्रेम, मतलब थोड़ा सा पका रहे थोड़ा सा ना पका रहे तो क्या है, ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। क्योंकि अगर हम कच्चा रखेंगे ना तो टमाटर के प्यूरी से डायरेक्ट टमाटर डाल देंगे तो ये अच्छी तरीके से हमारा पक नहीं पाएगा। तो यहाँ पर वंदना धनिया कटिंग कर ले रही है पहले से ही, और उसके बाद में फिर यहाँ पे बनाएंगे हम लोग सब्जियाँ। ये देखो इसमें डाल दी है ये बैंगन का, और भून लेंगे अच्छी तरीके से इसको, इसको भी थोड़ा सा लो मीडियम आंच पे भूनेंगे ताकि अच्छी तरीके से ये पक जाए। और फाइनली मैं सच बता दूँ, मैं नेक्स्ट दिन वीडियो डाल रही हूँ, उस दिन बहुत अच्छी सब्जी बनी थी और बहुत अच्छा टेस्ट था, आप लोग भी ट्राई कीजिए, काफ़ी अच्छा बना था। और ये देखिए, और इसमें आप अपने अंदाज से पानी जितना ऐड करना है उतना कर सकते हैं, राइस के साथ खाना हो, किसी भी साथ के खाना हो। अगर हमारा ब्लॉग वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।